हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सीक्रेट ग्लैम गर्ल्स। तो आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये आई एम्स्टरडेम की फाउंडेशन की रिव्यू। तो ये आपके ये डस्की स्किन टोन के लिए बिल्कुल सही है ये फाउंडेशन, इसकी शेड जो है। तो आज मैं आपके साथ पूरी रिव्यू इसकी शेयर करूंगी एंड डेमो भी आपको दिखलाऊंगी अप्लाई करके। अभी मैं अप्लाई की हुई हूँ जैसा कि आप देख सकते हो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे फाउंडेशन ले लिया है और ये आई एम्स्टरडेम की विटामिन ई इनरिच लिक्विड फाउंडेशन है एंड ये शेड नंबर 9 है एंड इसकी सेल्फ लाइफ 2020 तक है। अभी 2 साल है इसकी सेल्फ लाइफ एंड यहाँ पे कस्टमर केयर की नंबर भी दी हुई है। एंड देन अब मैं इसकी इनर पैकेजिंग आपको दिखलाती हूँ। इसकी इनर पैकेजिंग बहुत ही क्यूट सी है, जैसा कि आप देख सकते हो कितनी क्यूट सी, एकदम हैंडी है। एंड इसकी क्वांटिटी 17 ग्राम है, तो क्वांटिटी थोड़ी कम है बट रेट के हिसाब से बहुत है। इसकी रियल रेट 200 है बट मुझे ऑफर में 100 की पड़ी थी 50% ऑफ पर। एंड ये पंप फॉर्म में आता है एंड इसकी कैप बहुत अच्छी है, बिल्कुल फिक्स हो जाती है जैसे कि आप देख सकते हो। एंड आप इसकी शेड देख सकते हो, मैं इसे पंप, देखिए पंप है एंड देन मैं इसे पंप करके निकाल रही हूँ। तो आप इसकी शेड देख सकते हो, बहुत ज़्यादा ही डार्क है। जैसा कि आप देख सकते हो इसकी शेड कुछ ज़्यादा ही डार्क है, ये मेरे शेड से थोड़ी ज़्यादा ही डार्क है, इसलिए मैं इसमें दूसरी फाउंडेशन मिलाऊंगी। जैसा कि आप देख सकते हो मैं यहाँ पे एक और फाउंडेशन है, ये बीबी क्रीम है, जिसमें मैं इस फाउंडेशन को थोड़ा और लूँगी एंड इसे मैं अपने शेड की बनाऊँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डार्क है, ये रेडिश टाइप में थोड़ी है। आपके कलर करेक्टर की भी ये काम करेगी अच्छा से बट ये मेरी स्किन टोन की नहीं है, इसलिए मैं इसे अच्छे से मिक्स करके अपनी स्किन टोन की कलर की बना रही हूँ। एंड देन अब आप देख सकते हो इसकी कलर, अब ये सही कलर है, अब मैं इसे लगाऊंगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे आई एम्स्टरडेम की प्राइमर यूज कर रही हूँ। मैं इसे अच्छे से अपने फोरहेड एंड आईज पर लगा लूंगी। हमें प्राइमर ज़रूर लगाना चाहिए, इससे हमारी बेस बहुत अच्छी बनती है। मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ, मैंने आईब्रोज पहले ही फिल कर लिया है। एंड देन मैं यहाँ पे आई एम्स्टरडेम की फाउंडेशन यूज कर रही हूँ, ये शेड नंबर 9। सो गाइस, इसे मैं डॉटेड फॉर्म में अप्लाई कर रही हूँ एंड मैंने इसकी शेड इसलिए डार्क मंगाई थी क्योंकि मुझे पता नहीं था कि ये कैसी शेड आएगी और इसकी रिव्यू कहीं भी यूट्यूब पे नहीं थी दी हुई, तो बस मुझे चेक करना था और मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था कि डार्क स्किन टोन के लिए ये सही है या नहीं, इसलिए मैंने इसे मंगाया है। तो ये डार्क, अगर बहुत ही ज़्यादा डार्क स्किन है तब ये बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आपकी थोड़ी सी भी मतलब कि घेरुआ कलर है तब आपको इसके साथ कोई एक और फाउंडेशन मिलाना पड़ेगा या क्रीम, तभी ये सही से सूट करेगा, नहीं तो थोड़ा रेडिश रेडिश लगेगा लगाने के ऊपर। एंड देन अब मैं इसके ब्लेंड कर ले रही हूँ, इसकी टेक्सचर बहुत ही अच्छी है और ये ब्लेंड भी बहुत अच्छे से हो जाती है। एंड 100 रुपीज़ में इतनी अच्छी फाउंडेशन मिल रही है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। पर्पल पर अभी इसकी 2 ही शेड अवेलेबल है, ऐसे पहले इसकी एक और शेड मिलती थी जो लाइट शेड रहती थी जो फेयर स्किन टोन के लिए थी, लेकिन अभी करेंटली तो पर्पल पे 2 ही शेड है। मैंने जब ऑर्डर किया था तो मैं 05 ऑर्डर कर रही थी, वो भी डार्क स्किन के लिए था, लेकिन जब मैं ऑर्डर कर रही थी तो वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं 09 ही कर लेती हूँ ऑर्डर, क्योंकि मुझे इससे एक बार ज़रूर यूज़ करना था क्योंकि मैंने इसकी बहुत तारीफ सुनी है इसकी फेयर शेड वाली की, इसलिए। एंड ये मीडियम कवरेज है, एकदम हाई कवरेज नहीं है, आपको मीडियम कवरेज देगा, लेकिन आप बिल्डअप कर सकते हो इसे, इसे शीयर टू मीडियम कवरेज है, एकदम भी मीडियम नहीं है लेकिन हाँ लो भी एकदम नहीं है, मतलब 100 रुपीज़ में आपको अच्छी मिल जाएगी क्वांटिटी और क्वांटिटी भी ठीक है 100 रुपीज़ के हिसाब से। जैसा कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे अप्लाई कर लिया है और ये ब्लेंड बहुत अच्छे से हो गई है। एंड देन मैं यहाँ पे लैक्मे के कॉम्पैक्ट से इसे सेट कर ले रही हूँ। मैं इसे बिल्कुल, आप पाउडर से एक बार सेट कर लोगी तो इसकी कवरेज और अच्छी हो जाएगी।
और देख सकते हो इसकी कवरेज मुझे बहुत अच्छी लगी। और मेन बात ये है कि ये डस्की स्किन टोन के लिए बिल्कुल सही है, बस थोड़ा ज़्यादा अगर आपका डार्क है तब तो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आपकी स्किन टोन थोड़ी गेरुआ टाइप की है तब आपको इसके साथ कोई एक और फाउंडेशन या बीबी क्रीम आपको मिलाना पड़ेगा, तब आपकी स्किन टोन पे बिल्कुल सही मैच करेगी। जैसा कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे मिला करके लगाया तो ये देखिए बिल्कुल भी एशी और पैची बिल्कुल नहीं लग रहा, जबकि मैं लाइट में शूट कर रही हूँ तब भी मुझे ये पैची नहीं लग रहा है एंड एशी भी बिल्कुल नहीं लग रहा है, जैसे ग्रे हो जाता है वो सब बिल्कुल नहीं लग रहा, बिल्कुल लग रहा है कि मेरे स्किन टोन की सिर्फ मेरे स्किन को अच्छे से स्मूथ कर दिया है एंड अच्छा लग रहा है देखने में ये फोन। और ये बिल्कुल स्मूथ है देख सकते हो आप, मुझे बहुत पसंद आई है ये फाउंडेशन, आप ले सकते हो। और खास कर डस्की स्किन टोन के लिए तो मैं जरूर इसे रिकमेंड करूंगी कि आप लो एक बार एंड अप्लाई करो। सो गाइज आई थिंक आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। थैंक यू।